मेरा नाम अमित ठक्कर है। प्लीज़ अकॉर्डिंग आप कुछ करके दो। और फिर सूरत के एक बिल्डर पे बायोपिक फिल्म करना है, कुछ सूरत के लिए कुछ नया करना है। तो जानिए फिल्मों और टीवी के कलाकारों के कास्टिंग की कहानी। कई गुजराती और हिंदी फिल्मों में कास्टिंग कर चुके गुजरात के दिग्गज कास्टिंग डायरेक्टर श्रीमान अमित ठक्कर की जुबानी। सतीश कौशिक जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम कर चुके अमित ठक्कर बताएंगे उनके साथ बीते सराहनीय लम्हों की कहानी। इंटरव्यू ऑन एवरी व्यू के इस शो में हम आज बात करेंगे फिल्म जगत के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर अमित ठक्कर से, और साथ ही जानेंगे कास्टिंग और फिल्म से जुड़ी वो हर बातें जो आपके लिए बिल्कुल नई है और इनकी फिल्मों की तरह मनोरंजक भी। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं और जानते हैं। मेरा नाम अमित ठक्कर है, कृष्णा डांस एकेडमी एंड एंजल फिल्म्स प्रोडक्शंस का मैं ऑनर हूँ, और बेसिकली इंडस्ट्रीज में लोग मुझे कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर किसी भी एक्टर और डायरेक्टर के बीच एक ब्रिज की तरह होते हैं, जो डायरेक्टर को सही एक्टर और एक्टर को सही निर्माता से मिलाता है, और इस दौरान देना पड़ता है स्क्रिप्ट की बारीकियों पर उन्हें ध्यान। जनरली क्या होता है ना कि भाई जो भी डायरेक्टर रहता है तो पहले वो लोग क्या करते हैं कि भाई हमें क्या फिल्म बनानी है। फिल्म के बाद वो लोग जब कैरेक्टर डिसाइड्स करते हैं कि हमें ये कैरेक्टर्स चाहिए, तब वो कैरेक्टर का ब्रीफ करते हैं हमें कि भाई मुझे अगर कोई हीरोइन चाहिए तो भाई चुलबुली टाइप की चाहिए, सेठ चाहिए या कुछ भी वॉट एवर, अगर हीरो चाहिए तो भाई मुझे इस टाइप का हीरो चाहिए। तो वो पहले उनका इमेजिनेशन हम खुद में लेते हैं और फिर उस इमेजिनेशंस को हमें उसको फुलफ़िल करना होता है। तो अभी इतने इयर्स हो गए तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा मैं आज भी बोलता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, बट डायरेक्टर की नीड्स मैं फुलफ़िल करता हूँ। ये हमें कैरेक्टर्स पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें कैरेक्टर्स पता चल जाता है और उसी अकॉर्डिंग हम लोग फिर उनको कास्ट कर लेते हैं। फिल्म लाइन में आने वाला हर इंसान पाना चाहता है एक हीरो का किरदार। कई उस किरदार को पाने में सफल होते हैं और कई अन्य किरदारों पर अपनी नई पहचान बनाते हैं, और कई यहां अपने टैलेंट को पहचान कर या तो फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक या कास्टिंग डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं। एक्चुअली ड्रीम्स तो बचपन से एक्टर बनने का था, लेकिन होता है ना कि भाई कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला, कभी फैमिलीज का सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर वो ड्रीम्स को अपन ने वहीं पर छोड़ दिया था। फिर शादी हो गई, फिर शादी के बाद भी सोचा, लेकिन वो चीज़ फुलफ़िल होना बहुत मुश्किल था एज एक्टर बनना, तो सोचा कि हम अब बिहाइंड ही काम कर देंगे। तो आज मैं बिहाइंड स्टेज हूँ, मतलब लोगों को एक्टर या एक्ट्रेस बना के आई एम हैप्पी।